यदि और किसी की संभावना नहीं हो तो थोड़ी चेयर इधर आ जाओ मेरे सामने, मुझे दिखते नहीं हो आप लोग, इधर आ जाओगे तो अच्छा लगेगा। बिच चाहिए जल्दी से, आधा घंटा ले लूँ अभी। जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वीर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये समसाहु। बंदितु समसिद्धि धूम चलमणोभवं पते बोच्छामि समय पाहु बिल्वाशुद्ध केवली गणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावांतर। थोड़े ऐसे अच्छा तीन जन एक लाइन में आ जाओगे मेरे, आ जाओ आ जाओ ऐसे थोड़े और आगे और थोड़े सर को, शाबाश बढ़िया। सीमंदर भगवान की तीन पंक्तियों में स्तुति करके फिर अपन पढ़ते हैं। ओके, गाथा नंबर अभी अपन 19, 20, 21, 22 पूरा तो नहीं लूँगा, उसका सार लेना अपने को। खास तौर से 22 नंबर की गाथा लेंगे, पिछले दिनों आप इसका स्वाध्याय कर चुके होंगे तो उसका सार कहेंगे इधर, बराबर। पूजनीय पंडित साहब ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब ने सीमंदर भगवान की स्तुति लिखी है, उसकी एक छंद में गाता हूं। मिथ्यात्व राग बस दुखी रहा प्रतिपल ही, अरु कर्म बंद भी रुक न सका पल भर भी। सौभाग्य आज है नाथ, सौभाग्य आज है नाथ तुम्हें लख पाया, दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। हो गई प्रतीति न रही मुक्ति में देरी। इसकी आवाज गूंज रही, थोड़ी कम करेंगे मैं इसको, दूर कर दूं थोड़ा सा। अब आवाज ठीक आ रही सबको? सौभाग्य आज है नाथ प्रभु लख पाया, दुख से मुक्ति का मार्ग आज में पाया। हो गई प्रतीति न रही मुक्ति में देरी,
सीमंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। याद है? बहुत बढ़िया। तो अभी अपन इसकी चर्चा करते हैं। देखो, जो बात कहना चाह रहे हैं इसमें, वो बात इसी क्षण में आई। मिथ्या तो राग बस दुखी रहा प्रतिपल, एक पल ऐसा नहीं जब नहीं रहा। फिर से बोलो, प्रतिपल एक क्षण ऐसा नहीं है जब दुखी ना रहा। अंबानी दुखी है? तुम दुखी हो अभी? क्या दुख है तुम्हें? कोई दुख नहीं ना, कोई जात ना दुख ना थी, एटलीस्ट यथाख्याचारित। यहां तो कह रहे हैं प्रतिपल ही। गाथा आ चुकी है, ये मेरा है मैं इसका हूँ, भूतकाल में मेरा था मैं इसका था, भविष्य में मेरा होगा मैं इसका होऊंगा। ये फटाफट पढ़ दी गाथा। यही तो दुख है। सरल कर दूं तुम्हारे लिए, आज तुम यहां से निकलोगे तो दुखी होके निकलोगे। असल में जब तक हम अपने को शरीर मानते हैं ना, तब तक दुख नहीं लगता। लेकिन यदि मैं तुमसे कहूं कि पूज्य गुरुदेव श्री पधार जाए, और मैं कहूं कि ये इस फैक्ट्री के मालिक हैं, इस फैक्ट्री में झाड़ू लगाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? पूज्य गुरुदेव श्री। अब मैं कहूं आपसे, महावीर भगवान इस फैक्ट्री के मालिक हैं, इस पत्नी के मालिक हैं, इन बच्चों के मालिक, आपको कैसा लगेगा? तब दुख समझ में आया। ऐसे जब आपको अशरीरी भगवान देखोगे ना, तब ये दुख लगेगा। तीन लोग का नाथ कहीं झाड़ू लगावे, कि रोटी बनावे, छोकरा छोकरी पाले, कि करोड़ों अरबों खरबों का हिसाब रखे, पहले नक्की करे कौन है। पहले ये नक्की करो, हूं कौन? बोलो भाई, गुरुदेव श्री की भाषा में याद होगी बिल्कुल फेमस लाइन, हूं परमात्मा छू। खरेखर छू कि केवाय ओनली है? अब यदि ये लगे ना, तो फिर आपको दुख लगेगा, पक्के में दुख लगेगा। ये शरीर क्या कहें आपको? यदि मैं आपसे कहूं कि आप मेरे को रोज नहलाओगे, धुलाओगे, लेटरिन बाथरूम सब करोगे, कुल्ला कराओगे, मन आँख साफ करोगे, तो आपको दुख लगेगा या सुख लगेगा? पूरी जिंदगी मेरी सेवा करनी पड़ेगी, दुख लगेगा। ऐसे ही हूँ परमात्मा छू, आ मारो नथी, और रोज करना पड़ रहा है। रोज करना पड़ रहा है, रोज सोचो जरा। अब समझ में आएगा, मिथ्यात्व राग बस दुखी रहा प्रतिपल ही। दुखी खबर नहीं, दुख को सुख मानता ही मिथ्यात्। यहां की भाषा में कही तो अप्रतिभूत, सच में सब सोचना। सारी दुनिया कहेगी सेठ हो, पैसा वाले हो, सुखी हो, इतना दान देते हो, इतना निर्माण कराते हो, इतना कर, लेकिन पहले नक्की करो हूँ परमात्मा छू, आप मारे स्वभाव ना थी, तब आपको प्रतिपल, प्रतिपल क्या लगेगा? दुख। एक बात हो गई बराबर। सौभाग्य लो, जिस सौभाग्य हो गया आज हमें सीमंदर भगवान मिल गए, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, समय सार जी मिल गया हमको। मुझे तो ऐसा लगता है यदि गुरुदेव श्री को समय सार नहीं मिलता तो हमको भी नहीं मिलता। मैंने लोग तो कहते हैं गुरुदेव श्री को समय सार जी मिला 1922 में, लेकिन हमें लगता है कि वो उस दिन का जो टर्निंग पॉइंट था जिंदगी का, सारे विश्व को समय सार मिल गया, नहीं तो रखा होता बंद। बहुत बहुत बड़ी क्रांति हुई है। यदि स्वाध्यायी क्रांति नहीं होती तो ये बच्चों को फुर्सत ही नहीं मिलनी थी अभी यहाँ बैठने की। आपको फुर्सत नहीं मिलनी थी क्योंकि हम उस समय तो एजुकेटेड नहीं थे, इसलिए बंद था। अब एजुकेटेड होके ज़्यादा कमाने में चले जाते ना, तो बंद रह जाता। धन्य भाग के पैक्षण जब गुरुदेव श्री को समय सार मिला तो हम सबको मिला। चलो समझ में आ रहा है कुछ? सौभाग्य आ
हे प्रभु तुम्हें लग पाया, दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। कठिन लग रही, कठिन लग रहे आगे बोलो। हो गई प्रतीति न रही मुक्ति में देरी, बस ज्ञाता दृष्टा रही परिणति मेरी। सरल इतनी बात। आहा, पंडित साहब की एक रचना और है, उसकी दो पंक्ति गा करके फिर अपन इसकी चर्चा करते। देखो बहुत मस्ती की बात है। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। पढ़ी लाइन। महाहर्ष सम्यक दर्शन हुआ माने महाहर्ष मानो मोक्ष ही मिल गया। दृष्टांत दे रहे हो, सरल दृष्टांत तुम्हें देख के सरल दृष्टांत दे। कार में कौन सी कार पसंद है आपको? मर्सिडीज, BMW, सेंट्रो है? BMW। ठीक, अभी शादी तो नहीं हुई ना तेरी? अभी शादी में तुमको मंडप में BMW की कार की चाबी दी जाए तो चाबी तो 1 रुपए की होती है लोहे की, लोखंडनी कितने की बनेगी? 1, 2, 5 रुपए की बनेगी। तो आपको चाबी का मजा आ रहा है या कि BMW का मजा आ रहा है? पक्का भाई ऐसे यहाँ कह रहे। हो गई प्रतीति न रही मुक्ति में, सम्यक दर्शन माने ऐसे। हाँ सम्यक दर्शन, हाँ सम्यक, हाँ सम्यक, कैसे ढोर जैसे बोल रहा है। सम्यक दर्शन माने BMW की चाबी, मोक्ष ही मिल गया। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। स्वाध्याय करने के बाद यदि आपको इतना आनंद नहीं आया तो स्वाध्याय नहीं हुई। स्वाध्याय करने के बाद आप यदि इतना उछलता मेरा पौर से, यदि इतना नहीं हो तो फिर तुमने नहीं करी स्वाध्याय। ऐसे नहीं पढ़ो, थई गई थई गई नहीं। जब तक आपको इतना मजा नहीं आया उठ के जाना नहीं है, मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर कह रहा हूं जिनवाणी पढ़ने के स्टाइल ये है, जहां हमारे हर्ष का अपरंपार निदान मिल रही हो और हम मूर्छित होके चले जाएं। हाँ ठीक है ठीक है, चलो भाई स्वाध्याय पूरी थी। नहीं भाई, मैंने एक बात कही थी, बहुत एक राइटर ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा तो उसने लिटरेचर पढ़ने के मामले में, लिटरेचर के लिए, लेकिन मैंने इसके लिए लिखा है, मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया है। जिज्ञासा के साथ ग्रंथ खोलो और समाधान के साथ बंद करो। इतनी जिज्ञासा से खोलो, आज देखें हमारे बारे में क्या आने वाला है, आज यहाँ क्या बताने वाले, आज मेरे बारे में क्या बताने वाले, आत्मा के बारे में नहीं, किसके बारे में? एकदम जैसे अभी अभी आप लोग सब बैठे हो, यदि मैं पहले से डिक्लेयर कर दूं आज गुरुदेव श्री की सभा में गुरुदेव ने आपका नाम लिया है, वो आने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ ऐसे ही वही वही समय देखता रहेगा। गुरुदेव श्री एक बार बोलेंगे अम्मा भाई, अब हम फिर कह रहा हूं जहां जहां आत्मा आए ना वो तुम्हारा ही ना, तेरी महिमा है, तेरी तेरी। ऐसे सुनना, ऐसे ही पढ़ना, मोक्ष नहीं हो तो मेरे से ले लेना। जिज्ञासा से खोलना, जिज्ञासा से सुनना और समाधान के साथ बंद करना। समाधान ही नहीं हुआ तो अकाउंट कैसे चेक करते हो? बोलो अकाउंट का मेल ना बैठे, ये लिखा है 10 करोड़ रुपए लेना बाकी है, वो कह रहा मैंने मुझे देना ही नहीं, तो क्या करोगे? बंद कर दो। चल भाई 5 मिनट का नियम था पूरा थी गया, चल नियम नहीं हिसाब मिलना चाहिए। ऐसे गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि तुम्हें परमात्मा छो मिलना चाहिए ना, वो परमात्मा छो लगे बस। अब हो स्वाद है बराबर है। चलो अब अपने इस गाथा में 3 गाथाओं को तो मैंने बता दिया फटाफट, जो आपने सुन रखा है, भूतकाल वर्तमान और भविष्यकाल। अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी,
अब मैं अंतिम गाथा पढ़ता हूँ 22। जैसे मैंने इस कम हॉल में प्रवेश किया था यही पढ़ी जा रही थी, वही मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अयथार्थ आत्म विकल्प आवो जीव सम्मूढ आचरे, मिला नहीं मिला 22 नंबर। भूतार्थ ने जाने ले ज्ञानी, भी हिंदी में ऐसे बोलती, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी, ए विकल्प नहीं करे। अयथार्थ, अब बस यहां से आ जा, अयथार्थ वज्रपात है, अयथार्थ जैसा है ही नहीं। आत्मविकल्प माने अपने को ऐसा अनुभवता है, आत्मा जैसा है वैसा नहीं अनुभवता। अयथार्थ आत्मविकल्प हिंदी में कहते हैं मूढ़ जीव ही आचरे, यह कह रहे हैं जीव सम्मूढ़ आचरे। बातें कही मूढ़ समझ गए, मूढ़ मूढ़ माने मूर्ख, मूर्ख माने ढोर, नॉनसेंस, जितनी गालियां दे सकते थे। समझ में आ रहा है कुछ, बोलूं खुल के बोलूं, नाराज होके भागोगे तो नहीं, डर लगता है ना थोड़ा। नहीं मुझे चाहिए नई पीढ़ी सुने ये बात, वो जिसको ऐसा लगता है मैं करोड़पति हूँ। गुरुदेव कहते हैं अरे एक आसू का उछ, हूँ मोटो सेठ छू, तमे मोटा परमात्मा छो, और सेठ कहो छो, तमे दीकरा छो कि दीकरी छो, अरे कुछ तो हो गई, हाँ दीकरा, आ तमे सू कहो छो, ऐसा कहना चाह रहे। अयथार्थ, अर्थ माने होता है पदार्थ, वस्तु, अर्थ माने वस्तु, वस्तु का स्वरूप। आ यथा, आ माने नहीं, यथा माने जैसा, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा अज्ञानी जीव आचरता नहीं है, मानता नहीं है, अनुभवता नहीं है। यह सबसे ज्यादा भजन में दूंगा फीलिंग, सरल पड़ेगा फीलिंग। अयथार्थ आत्मविकल्प माने अपने बारे में विकल्प, अपना अपना, मैं ऐसा हूं, पोते आप, बराबर। अयथार्थ आत्म विकल्प आवो, आवो माने ऐसा, सरल हो गया, कठिन तो नहीं है। कौन आचरता है, आचरता है का तीन अर्थ होंगे, मानता है, जानता है और प्रतीति करता है, अनुभवता है माने आचरण करता है, बराबर है। इतनी बात तो सरल हो गई सबको, कठिन तो नहीं है। कैसा कैसा विकल्प, इसके लिए ऊपर की तीन गाथा पढ़नी पड़ेगी, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, समय नहीं अपने पास। तीन गाथाओं में क्या कहा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। क्या बोला मैंने, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। द्रव्य कर्म की चर्चा करके अभी मैं समय नहीं लाऊंगा ज्यादा, क्योंकि उसकी विस्तार करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा और आपको कम समझ में आएगा। लेकिन दो चीजें जल्दी समझ में आएंगी, भाव कर्म और नौ कर्म ले लूं सब, भाव कर्म और नौ कर्म। भाव कर्म समझते हैं, नहीं आप, नहीं आप, वेरी गुड, कोई डरने की जरूरत नहीं है ना। भाव कर्म का मतलब है जो अपने को विकल्प आते हैं, थॉट आते हैं, ये भाव कर्म, बराबर। और नौ कर्म मतलब, नौ कर्म का मतलब है नथिंग एल्स, नौ कर्म का मतलब नथिंग एल्स, नो वैल्यू, बराबर। आप तो समझ में आया, तो अब नथिंग एल्स क्या चीज है, आपको ये कहना है मुझे, ध्यान से सुनना, चार चीज समझाऊं, चार समझा दूं, यदि ये फार्मूला समझ गए तो बस पूरा समझ गया आज, इतना चार समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा, बराबर। जरा देखो, ए मैं भगवान हूं, त्रिकाली ध्रुव, बराबर, हूं परमात्मा छू, ओके। अब गुरुदेव कहते नक्की कर, तो कैसे नक्की करें, कि हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है नौ कर्म, एक है भाव कर्म, एक है द्रव कर्म, बराबर। अब सबसे, अब ये हमको दिखाई नहीं देता पर ये दिखाई देता है,
बराबर, हूँ परमात्मा छू ये दिखाई नहीं देता। और ये क्या है, एक कौन है, नौकर, नौकर माने शरीर, शरीर के बाद फिर स्त्री पुत्र मकान दुकान सब आइटम, बराबर। अब ये दिखाई नहीं देता, हूँ दिख रहा छू ये दिखाई दे जाता है। तो जैसे हम ये देखते नहीं, हूँ दिख रहा छू, ये जो विकल्प है, ये जो प्रतीति है, जो अनुभूति है, जो फीलिंग है, उसका नाम भाव कर्म। और जैसे ही भाव कर्म होता है तो यहां द्रव कर्म खड़ा हो जाता है, बराबर। अब आपको आठ कर्म हैरान करते हैं लेकिन दिखते नहीं। ये आठ कर्म आप काटना चाहते हैं, पूरा वर्ल्ड के जितने जैन हैं और जो मोक्ष जाना चाहते हैं उनको इसको आठ कर्म काटना, आठ कर्म से दुखी हूं, आठ कर्म हैरान करे छे, इसके चक्कर में पड़े। तो गुरुदेव ने हमें ये समझाया कि इसकी चक्कर में मत पड़ो, सारे जैन समाज इसके चक्कर में पड़े, ज्ञानावरणी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, हा हा मत कर, सत्तर कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, नो नो, डोंट वरी, बिकॉज तू एक काम कर, हूँ परमात्मा छू ये ना कि करे, तो इसमें तेरी राग नहीं होगा तो भाव कर्म नहीं होगा, भाव कर्म नहीं तो ये खड़ा नहीं होगा। तो इसे मारने का तरीका या नहीं खड़ा करने का तरीका, उत्पन्न नहीं करने का तरीका है कि भाव कर्म नहीं होना चाहिए। भाव कर्म नहीं करने का तरीका है कि स्वय और पर को अभेद विज्ञान कर। फार्मूला समझ में आ गया, स्वय और पर, हूँ स्वय आप पर, कौन बराबर, ठीक है, कठिन तो नहीं है, मोक्ष जा सकते हो नहीं, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा कोई फिर से ये बहुत गजब फार्मूला है। आप मेरे से कहो तो पूरी लाइफ मेरे इसी में लगा दूंगा, क्योंकि जो कुछ दिखाई देता है उसके बारे में दो विचार आते हैं, अट्रैक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, अच्छी नहीं लग रही, उसमें अट्रैक्शन खत्म हो गया, कोई अट्रैक्शन है, बेकार चीज है। ये दोनों प्रकार के भाव का नाम है राग द्वेष, और राग द्वेष का नाम है भाव कर्म। ओके, फिर से ये दिखाई देता है, ये दिखाई नहीं देता है, इसका नाम है मोह। ये दिखाई देता है, ये कौन, नौकर, नौकर की वैल्यू क्या, इंग्लिश क्या बोली थी मैंने, हाँ हाँ ये जल्दी याद हो गया, वेरी गुड। नौकर्म माने नो चांस टू हैप्पीनेस, नो चांस, यहाँ कोई सुख नहीं है, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित नहीं है, नथिंग एल्स, दुख भी नहीं देता ये दुख भी नहीं देता, लेकिन इधर नहीं देखता इसलिए दुखी होता है, और इधर देखे तो सुखी हो जाए, माने भाव कर्म नष्ट हो जाए, भाव कर्म नष्ट हो जाए तो द्रव कर्म नष्ट हो जाए, और जैसे द्रव कर्म नष्ट हो तो ये भी गायब, ऑटोमेटिक गायब। अब बच्चा कौन, अच्छा बोलो, हाँ वेरी गुड, अच्छा क्या नाम है आपका, मयंक, मनन, और मति ज्ञान की पर्याय है मदन, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, समझ में आया कि नहीं, फिर से बोलूं कि नहीं बोलूं। अभी देखो आप बाहर निकलो तो BMW देखी आपने, BMW चाहिए ना तेरे, तो ये भाव कर्म हो गया, भाव कर्म हो गया, तो हाँ द्रव कर्म हो गया, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट, अच्छा। अब ये द्रव कर्म हो गया, इस चक्कर में पोते भगवान छू खोवा ही गया, खोवा ही गया, ये अनादिकाल की स्टोरी बता दी, एक सेकंड में अनादिकाल की स्टोरी। तो BMW मिल जाए तो अपन सुखी तो हो जाएगी, भले भाव कर्म हो तो भले हो जाए, लेकिन मजा तो आ जाएगा। मजा नहीं आ जाएगा यदि कोई जरा बोल देने कलर ठीक नहीं है तो आपको एकदम हार्ड, BMW को नो प्रॉब्लम, BMW के कलर को नो प्रॉब्लम, BMW को कोई, इसका नाम है नथिंग एल्स, और हम दुखी हो रहे। फिर कोई यदि तारीफ कर दे, यार इतना सुपर कलर, यार गजब, ऐसे बोल दे, लेकिन उतनी देर में भी तू इधर से गायब हो गया। अब तो समझ आया, दुख प्रतिपल का दुख, प्रतिपल का दुख है ये, तो मैंने BMW बोला, ये जो बॉडी है ना ये BMW है, ये दिखाई दे रही ना आपको, बॉडी दिखाई दे रही, शरीर तो झट लगता है, अब ये भाव कर्म है, भाव कर्म से द्रव कर्म होगा, और द्रव कर्म से ये लॉस होगा कि द्रव कर्म का उदय आएगा तो फिर नौकर मिल जाएगा।
फिर नौकर मिलेगा तो तू इसको भूलेगा। बात इसकी नहीं कि हमें कौन सी सामग्री मिली और नहीं मिली, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, वैभव, जो कुछ मिला है, इसके चक्कर में तुम अपने को भूल जाओगे तो ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। इस कहानी को खत्म करने का एक ही तरीका है, तू मंत्र जप, हूं परमात्मा छ आ हूं न थी। पंच कल्याण के टाइम मैंने एक ही प्रवचन किया था उसमें मैंने एक बात कही थी, पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरे जीवन में जो प्रवचन किए हैं उसका सार बताया था फार्मूले रूप में, आ हूं न थी हूँ एवो न थी, आवो एवो क्या बोलने चाहिए, ऐसा नहीं हो, मोय राग देश भाव है नहीं, ये ऐसा नहीं हो, और शुद्ध पर्याय है ना, शुद्ध पर्याय मैं इतना सा नहीं, बस फार्मूले में पूरा काम हो गया। चलो वापस चलो, कठिन तो नहीं लग रहा, नाम याद हो गया, एक कौन, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक कौन हूँ परमात्मा छू बराबर, और एक कौन नथिंग एल्स नौकर, नथिंग एल्स मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी गड़बड़ यही हो रही इन दोनों के बीच में, तो इसलिए इसके लिए लिखा सोपर वेद विज्ञान करूँ, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लिस्ट जान, दुख नहीं होगा तो कर्म भी नहीं बनेगा, मोक्ष जाने का इतना सा फार्मूला है बस। लेकिन अयथार्थ आत्म विकल्प आवो जीव समूढ़ आचरी, दिन भर यही चल रहा है, दिन भर मेरा प्रवचन तो पूरा हो गया, इतना मुझे समझाना है इसमें, बस नाम लोगे तो आप आठ कर्म में घटाओ, क्या कहूँ पंडित जी मारू छोसम कम छे, तू इसकी कंप्लेन कर रहा है, ये मेरा भूतकाल में था, ये मेरा वर्तमान में है, ये मेरा भविष्य में होगा, क्या होगा समझ में आया, कोई ज्ञान वर्णी कर्म है, रखो भूतकाल में था, अभी छोसम कम है, भविष्य में कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये भगवान हम कहीं जाएंगे वहाँ ज्ञान चला जाएगा तो क्या होगा, फिर ज्ञान नहीं हुआ तो क्या होगा, ये रोना तू इधर रो रहा है, इधर देख रहे, इधर देखते से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान वर्णी मिटता है, इधर देख, सबसे बढ़िया तरीका है इधर से मत खिसक, क्या करें बहु असाता थाए छे ढोर कहाँ छाए, क्या थाए छे नौकर, इधर तो नहीं होती ना, तो इधर देख, बाहर बहुत तड़को हो, अब कितना तड़का है, कितना धूप है, कितनी है, तो छाया में आने तू कंप्लेन मत करें, तीन की यहाँ बहु शीतल ठाया छे, एकदम शीतल, एकदम एसी तो डिपेंडेंट होता है बिजली के, इलेक्ट्रिक के, यहाँ तो नॉन डिपेंडेंसी, नॉन डिपेंडेंसी, अनंत काल शीतल छायड़ी, समझ में आया कुछ, एक आध एग्जांपल दे बच्चों के लिए, एक एक नेचर होता है कंप्लेनिंग नेचर, मिथ्या दृष्टि का नेचर होता है कंप्लेनिंग, मिथ्या दृष्टि का नेचर होता है कंप्लेन, जैसे मिथ्या दृष्टि बच्चा हो होते ही बहुत सारे, तो वो परीक्षा की तैयारी करना है, अगले दिन पेपर है, बहु हार्ड छे बहु हार्ड छे बहु हार्ड, पेपर हार्ड ना आवे तो अच्छा ऐसा यही सोचता रहेगा, तो अकल है कि नहीं है, अरे तू पढ़ने पढ़े तो हार्ड होने वाला है पेपर कि इजी होने वाला है, अब तुझे इजी पेपर चाहिए तो पढ़, और हार्ड पेपर से बचना हो तो पढ़, काम तो एक ही है, लेकिन पढ़ता नहीं कंप्लेन करता, वो टीचर बहुत खराब, बहुत डिफिकल्ट पेपर आवे छे वे जितनी देर तू उधर देख देख के कंप्लेन कर रहा है, और कोई टीचर का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, वर्ल्ड वाइड जाती बात मतलब तो उधर कंप्लेन क्यों कर रहा है, इधर देखना, अभी आप सड़क पर घूमने जाओ, क्या गंदगी गंदगी, अरे ऐसा जब सफाई है वहां चला जा, तू तो और एक गंदगी छिलका और फेंक देता है, फिर कहता है इंडिया बहुत गंदो छे पॉइंट पॉइंट मेरा कुछ, चलो तो आठ आपकी कोई कंप्लेंट हो तो बता ना भाई, इतने में सॉल्व हो जाने वाली है, अगली गाथाओं तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आगे क्या कहते हैं भूतार्थ, अब भूतार्थ क्या, ये है भूतार्थ, लो इसी फार्मूले में भूतार्थ, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी, क्या क्या विकल्प नहीं करता है कि हूँ छोकरो दीकरो छू, मारो भाव गंदो छे,
आठ कर्म ने हैरान करे छे, ये तीन प्रकार के विकल्प से नहीं आते। भूतार्थ जानन हार, भूतार्थ जानन हार, जानेल ज्ञानी हो उसे ये विकल्प नहीं आता। बहुत सिंपल सी बात है, सरल दृष्टांत दे दूं, मेरी आदत ही सरल दृष्टांत देने की। मैं चाहता हूँ ये दिन भर गुनगुनाना आप बराबर, ये तो याद रह जाएगी ना फार्मूला। जाते जाते पूछूंगा ना, जाते जाते आपको बोल के जाना है, हूँ दिखरो नथी आप मोह राग अधिक, मारू भाव नथी, हूँ नथी, मारो भी नथी, हूँ पड़ती, और एक आठ कर्म आनी माने कहीं टेंशन नथी। क्यों? क्योंकि भूतार्थ को जानने वाला हूँ, परमात्मा छू, हूँ ज्ञायक छू, ये जानने वाले व्यक्ति को इनकी चिंता होती नहीं, बराबर है। चलो आगे चलो, अभी आप कोई भी कंप्लेंट लाओ, इन तीन खाते से बाहर नहीं जाएगी। हूँ पुअर छू, पुअर माने नौकर, हूँ रिश छू नौकर, नौकर माने तेरे पास करोड़ रुपया हो या नहीं हो, दोनों में नो वैल्यू। एक बात बताओ, भूख लग रही हो, भूख लग रही हो तो कितना करोड़ रुपया रखे कि पेट भर जाए, तो ये है नो वैल्यू। भूख लग रही हो तो करोड़ों अरबों रुपया रखने पर भी नो वैल्यू, भूख नहीं मिटेगी। अच्छा हीरे रखे, माणिक मोती रखे तो भूख नहीं मिटेगी, इसका नाम है नो वैल्यू। ऐसे तू आत्मा का सुख तुझे चाहिए हो तो नो कर्म नो वैल्यू, बराबर है। अब मैं आपको दृष्टांत देके समझाऊंगा इसका, तीनों की बात समझ में आ गई आपको। अब इधर समझो, जिसमें नो वैल्यू थी उसमें हमने वैल्यू छोड़ दी, वैल्यूएबल चीज छोड़ दी नो वैल्यू के चक्कर में। कुछ बोला मैंने? जहां कोई नो वैल्यू थी, नॉमिनल था, उसके चक्कर में कुछ छोड़ दिया। एक आध समझा दूं दृष्टांत देकर, बहुत सिंपल सी बात। सिक्स पैक बन जाए तो क्या फायदा होने वाला है? सम्यक दर्शन की मोक्ष। अच्छा हेल्थ हो जाए, मसल्स बन जाए तो क्या होने वाला है? मोक्ष? कुछ नहीं पक्का। लेकिन जिसकी वैल्यू नहीं है उसके चक्कर में बच्चे नए नए डिजाइन, नए नए प्रोटीन पाउडर, जिम, हाँ पसीना बहा रहा, नो वैल्यू, एक सेकंड में एक्सपायर हुआ, भगवान आत्मा गॉन। क्यों? अच्छी बॉडी को तो रखते ना सजा के थोड़ी देर के लिए, कितने दिन रखेंगे शोरूम में? अब ये नो वैल्यू, और इसके चक्कर में वैल्यू वेल छोड़ी। इतनी ही देर में जब हम इसके चक्कर में राग देश कर रहे थे, विकल्प कर रहे, उतनी देर में हम हूँ परमात्मा चू देखते तो मोक्ष चले जाते। इतना इतना बड़ा लॉस है, मैंने नो जिसकी नो वैल्यू थी उसके चक्कर में वैल्यू वेल छोड़ दिया, ये कहना है। और इसी चक्कर, इस छोड़ने का नाम ही भाव कर्म है, और इसके चक्कर में आठ कर्म का बंधन है, मैंने वी आर अरेस्टिंग थ्रू एट कर्माज। ओके अब आप पास आओ थोड़ा, अब मैं दृष्टांत देता हूँ, क्योंकि ये नहीं समझाऊंगा तो मेरे आपको जाना बेकार हो जाएगा। भूतार्थ जानन हार क्या चीज है? तो भूतार्थ के लिए एक ही दृष्टांत देता हूँ, पर बहुत ध्यान से सुनोगे तो बस मजा करोगे दिन भर। भूतार्थ क्या चीज? भूतार्थ माने ओरिजिनल वस्तु का स्वरूप। वस्तु स्वरूप कैसा है तो मैं आपको पूछता हूँ, एक करोड़ का हीरा यदि गटर में गिर जाए तो आप उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठाओगे? गटर आंख से देखने लायक भी नहीं, इतना गंदा स्मेल आएगी। बोल बोल जल्दी बोल, चलेगा? हाँ डरने की बात नहीं, चलेगा ना? उठाओगे? कोई बात नहीं, एक व्यक्ति आउट, कोई बात नहीं, डरना नहीं अभी। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है, सुनो, वो 6 फीट गहरा है, 4 फुट चौड़ा है, इतनी बड़ी गटर में गिरा है वो, तो उसमें आपको उतरना पड़ेगा, क्या करोगे आप? जल्दी बोलो क्या करोगे? बोलो बोलो, नहीं गेम में से कितनों को आउट होना है बोलो। पंडित जी आप ज्यादा मत बोलो, नहीं गौण कर ही रखो। पॉइंट पकड़ो क्या है? गौण। जिस यदि 1 करोड़ का हीरा, 1 करोड़ तो कम है थोड़े आजकल तुम्हारे हिसाब से, यू समझो ये, अरे क्या कहना चाहिए, इनफिनिट वैल्यू। बोलो
सौ खरब का हो, चलो इन्फिनिट में नहीं समझना था, सौ खरब का हीरा हो, सौ खरब का, आप क्या करोगे? पंडित जी आप बोलो मत, एक बांस ला के करोगे ऐसे ऐसे ना, खोवाई जाए तो गड्ढा में चला जाए तो फिर क्या करोगे? अगले दिन स्वीप का इंतजार करोगे, सबको अनाउंस करोगे इसमें हीरा गिरा, ऐसा बोलोगे? सौ खरब का पंडित जी किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए, जेल में उतर लूंगा वो वही डबा देगा। आप पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं? मैं कुछ कह रहा हूं, आप इतना डेवोटी कैसे हो गए? किसी से नहीं निकलवा रहे हैं, कोई टाइम का बेट भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसमें एक शब्द आया संस्कृत में इदानीम, इसी क्षण तुम्हारा सौ खरब का हीरा इसने गुस्से में आके गटर में फेंक दिया और भाग गया, तो तुम इसके पीछे भागोगे कि गटर में जाओगे? इतने इतना बड़ा लॉस करके गुस्सा नहीं आएगा? इतना बड़ा गुस्सा है, सौ खरब का नुकसान करके इसमें गुस्सा नहीं आएगा? पकड़ो इसको दम मिला के, नहीं नहीं पंडित जी से बाद में देखूंगा। इतना कूल कहां से हो गए आप? सौ खरब का हीरा फेंक दिया, आपको शांति क्यों है? क्योंकि यह था भूतार्थ जानना है, हीरा का जानने वाला इसको गुस्सा नहीं करेगा, इसके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि इसके पीछे भागने मेरा हीरा चला जाएगा, किसी भी कीमत पर मैं इनके पीछे नहीं भागूंगा। समझ में आया कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा समझ? कहो तो एक घंटा बोलूं इसके ऊपर, हम इसके पीछे भाग रहे हैं, बाप बड़ा ना भैया। हाँ, इतनी प्रॉपर्टी मुझे मिलना चाहिए, इतना बसियत मिलना चाहिए, इतनी फैक्ट्री मुझे मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कल्पना करो, मैं तो एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, यहाँ तो देरानी और जेठानी थे, समझते हैं ना? अभी देरानी की एक चम्मच 10 रुपए वाली स्टील की 2 साल तक नहीं मिली, लेकिन 2 साल बाद जेठानी की रसोड़ा में मिली। बोलो क्या करोगे उस दिन? क्या करोगे 2 साल बाद? बोलो। और फिर 2-4 बर्तन और नहीं मिल रहे तो आप कहाँ ढूंढोगे? बोलो। देखो कहने में सिंपल लग रही है, आपके भाव में देखो कैसे कैसे हो रहे जी, हम इसके पीछे भाग रहे। एक चम्मच हमारा सारी शांति भंग कर देती है, हूँ परमात्मा से हूँ भुलाई जाए छे। 10 रुपट्टी की चम्मच के चक्कर में हम पीछे पीछे फॉलोअप करते हैं। जेठानी भी भगवान आत्मा है, जेठानी की जो दीकरा दीकरी है ना वो भी भगवान आत्मा है, लेकिन सबसे घृणा 10 रुपए में सारे परिवार से घृणा। जी तू इसके पीछे भाग रहा है, ये हो रहा है भाव कर्म हो रहा है इसके पीछे भागने से, नो वैल्यू बट वैल्यू खो रहा है, भाव कर्म हो रहा है। 8 कर्म तो ऑटोमेटिक खड़े हो जाए। लिखो भाई, होमवर्क करो। मैं मेरा तो इस समय इतना मन है कि मैं प्रवचन बंद करूं, वर्कशॉप कराऊं। आप तो लिख के होमवर्क करो कि यदि अपने घर में ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यूएबल छोड़ेंगे या नॉन वैल्यूएबल 10 रुपए की चम्मच? 10 रुपए की वैल्यू मैंने मनुष्य लोक में, इधर तो नो वैल्यू। ये बात बहुत छोटी लग रही होगी लेकिन बहुत, आपको यदि यहाँ की रिपोर्ट सुनाऊं ना, यहाँ की रिपोर्ट जिसकी नो वैल्यू थी उसके पीछे भागना मतलब भाव कर परमात्मा छोड़ दिया अपन। अब बोलो जब 100 खरब का हीरा है तो इस पर गुस्सा नहीं आ रहा, कितना कूल हो गए हम, और फुल फोकस कहाँ है? सुनो, इसी का नाम धर्म ध्यान है, इसी का नाम फोकस है, इसी का नाम धर्म ध्यान है, इसी का नाम एकाग्रता है, इसी का नाम कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं है तो हम इसे नहीं देखेंगे। अब हम जगत में किसी का वैभव देखकर, पैसा देखकर, पद प्रतिष्ठा देखकर, आबरू देखकर हम उधर दौड़ नहीं रहे, इसका नाम धर्म ध्यान है हमें, क्योंकि अपनी वैल्यू मालूम है। बोलो विकल्प कब करोगे? बोलो अभी यहाँ की गाथा पढ़ा रहा हूँ, विकल्प कब करोगे? बोलो इसको जानने वाला कब विकल्प करेगा? 100 खरब का हीरा का स्वरूप जानने वाला कब विकल्प करेगा? कब दुखी होगा? कब क्रोध करेगा? कब लुटेगा? क्या करेगा? बोलो। एकाग्रता भंग नहीं होती, ये ध्यान ध्यान मेडिटेशन भंग नहीं होती, बराबर। चलो अभी मैं पूछता हूँ, 100 खरब रुपया ज्यादा होता है या 10 रुपया ज्यादा होता है?
बराबर ठीक। तो अभी मेरा दृष्टांत थोड़ा सूक्ष्म है, सभी लोग ध्यान से सुनना। 10 रुपए का रसगुल्ला गटर में पड़ी जाए और 100 खरब नो हीरो, तो सबसे ज्यादा दुख किस में होगा? मैंने पहले कहा सूक्ष्म दृष्टांत है, मैंने दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो भाई, 10 रुपए का रसगुल्ला गटर में पड़ी जाए और 100 खरब नो हीरो पड़ी जाए, दोनों में सबसे ज्यादा दुख किस में होगा? बोल भाई सोच। रसगुल्ला तो 100% लॉस्ट, अब वो किसी काम का नहीं बचा। धोखे खा सकते हो? नहीं नहीं, ऊपर ऊपर पड़ा हुआ था। एक काम करो, ऊपर की स्किन उतार देंगे अपन। पंडित नाम मतलब 10 रुपए का रसगुल्ला खोने पर 100% लॉस और बहुत तकलीफ हो गया, गया। अब किसी काम का नहीं, लेकिन 100 खरब का हीरा गिरने पर किंचित भी दुख नहीं है। ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन है। भूतार्थ जानन हार, गटर ये दिख रही है, गटर के अंदर हीरा दिखाई दे रहा है, हीरा गटर से सुरक्षित है। इसलिए आज के बाद नो वैल्यू, इधर की पूरी वैल्यू पड़ा इधर ही है, गटर में दिखाई नहीं दे रहा है अभी आपको, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं। क्यों? तत्काल उतर के निकाल लेंगे, बस खत्म। ऐसी अनादि काल से भगवान आत्मा गटर में छिपा हुआ है, नव द्वार बहे घिनकारी में। ए, हीरे का क्या बिगड़ा? और रसगुल्ला क्यों नहीं निकालोगे, हीरा क्यों निकालोगे? बिकॉज फॉरेन मैटर एंटर्ड, और हीरे में नहीं करता है। हीरे की कीमत हमें मालूम है। बस सुनो, तुम गटर में रसगुल्ला हो, तुम्हें रसगुल्ला छो कि हीरा छो, नक्की करो। ओ हूँ हीरो छू, अरे गजब, बस हो गया सम्यक दर्शन। अभी तुम्हें परमात्मा छो तो हाँ परमात्मा ऐसे हो, परमात्मा कौन से वाले परमात्मा, ढीला ढीला सोचो ने, मैंने अब इसकी कोई वैल्यू नहीं लगेगी, अब इसकी वैल्यू आ गई। फिर से पूछ लेता हूँ, परमात्मा हो तो ऊपर ऊपर, ये सचमुच आपको 10 रुपए का रसगुल्ला जैसा मजा आ रहा है प्रवचन सुनने में, या हीरा मिल गया ऐसा आनंद आ रहा है? सोचना शांति से। भूतार्थ हीरे का स्वरूप जानने वाले को बिल्कुल दुख नहीं होता, क्योंकि हीरे की वैल्यू कम नहीं हुई, हीरे में एंटर नहीं हुआ कोई फॉरेन मैटर, हीरा हीरा ही है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही, गल्प नहीं यह परम सत्य है, अनुभव योग यही। सम्यक दर्शन कठिन क्यों हो रहा है आपको? कि अभी आपको लग रहा है यहाँ कुछ करना पड़ेगा तब ये आएगा, हम ये कह रहे हैं इससे नहीं जानने के लिए 3 हो रहे हैं। कोई समझ आया मैंने फार्मूला क्या बोला? अभी भी आपको ऐसा लगता है पंडित जी मेरा शरीर तो देखो, मेरा क्रियाकांड तो देखो, मेरा खान पान तो देखो, मेरा परिणाम तो देखो, अनुभव मेरा अनुभव तो देखो, परिणाम तो देखो, वो क्या करें उदय तो देखो। सुन सच्ची बोलूं, मैंने सारा प्रवचन कर दिया पूरा, तू ये नहीं देखता इसलिए 3 खड़े होते हैं, तू इसे मत देख, इसे नहीं देखता था इसलिए ये देखता था, इसीलिए नहीं इसको नहीं देखता था इसे देखता था, इसलिए भाव कर्म खड़ा होता था, भाव कर्म से द्रव कर्म खड़ा होता है। तो 3 की टेंशन छोड़ दे, हीरे में कुछ करना है, जैसे हीरा गटर में से निकाल लिया, फिर कुछ करना पड़ेगा ना हीरे में, इम्प्रूवमेंट रिपेयरिंग डेंटिंग पेंटिंग, अरे बोलो ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसका नाम है अनादि अनंत एक रूप, ऐसा ध्रुव भगवान आत्मा हूं मैं, अभी सिद्ध में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इधर देख के बोलो भूतार्थ जाननहार, बिल्कुल अंतर नहीं। तो जैसे अपनी महिमा में डूबोगे, भाव कर्म कम, द्रव कर्म खत्म, तो नौकर्म खत्म। बहुत सिंपल हो गई बात। भूतार्थ जाननहार ज्ञानी ये विकल्प नहीं, विकल्प नहीं करेगी, होता ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होता, नहीं करेगा मतलब उत्पन्न ही नहीं होता।
मैं तो सच कहता हूँ, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है इस बहाने मेरी स्वाध्याय हो गई, दिन भर के लिए खूब मजे। समझ में आया नहीं फार्मूला, समझ में आया कि नहीं जी? इसमें कुछ करना नहीं है, हीरे में कुछ करना नहीं है, गटर के बीच में पड़ा होने पर भी हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा, अनादिकाल से कर्मों में रहने पर भी नहीं बिगड़ा, और मोह कर्म राग देश आदि होने पर भी नहीं बिगड़ा। ये काले कलर की घड़ी देख रहे हैं आप सभी? बोलो काली है, बोलो। अरे बोलो, नहीं बोलो ना, बोलने में क्या दिक्कत है? अब सब मिलकर इसे काली बोलो, काली बोलो, काली बोलो, एक करोड़ साल तक काली बोलो, अनादिकाल तक, अनंत काल तक काली बोलो। अब बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मानते रहो, सोचते रहो, रोते रहो, हाय हाय हमारे पाप का उदय, घड़ी काली है। रोते रहो आप, तीन प्रकार के कर्म बनते रहे, लेकिन इस घड़ी में क्या फर्क पड़ा तुम्हारे बोलने से, सोचने से, मानने से, कहने से, रोने से, इस घड़ी में क्या फर्क पड़ा? इसका नाम है सम्यक दर्शन। अभी भी तुम्हारे में 1% एक रत्ती भी कमी नहीं आई, इसका नाम सम्यक दर्शन है। हूं तो परमात्मा छू, हूं तो परमात्मा छू, ये भूतार जानन हार ज्ञानी, अब ऑटोमेटिक हो गया। इसमें कोई गड़बड़ हो तो हमसे मिल लेना, लेकिन आज आज लेके ही जाना सब। नहीं पंडित जी बात तो हाँची छे। तो क्यों बात हाँची नहीं है? तुम सच्चे हो, भगवान हो, ध्रुव हो। समझ में आ गया? द्रव कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, भूतकाल की टेंशन नहीं, वर्तमान की नहीं और भविष्य की नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत मजा आ गया, आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत मजा आए। नहीं तो अभी भी लोग आएंगे, पंडित जी बाकी बात तो ठीक है लेकिन थोड़ा पाप का उदय चल रहा है, घर में थोड़ी तंगी है, थोड़ी पत्नी ठीक नहीं है पंडित जी, थोड़े बच्चे ठीक, तो तेरे कुछ समझ में नहीं आया। वो अत्यंत अभाव है, उसको जो होने होने दे, तेरे में क्या कमी आई? इसके लिए पंडित साहब ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है, पर हीनता से मुझ में कमी न आई, पर्याय की हीनता से मेरे में कमी नहीं आई, सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु। इधर देख, बोल यही थे सारा देखने का, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट समझते हो हिंदी में? हिंदी नहीं समझते हैं? सुप्रीम, हाँ सब ठीक है, थोड़ा और अच्छे बोलो, यूनिक, थोड़ा और अच्छे बोलो, सिद्धों से भी बड़ा, सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं ना जाऊं, चिन बहुत धके खाए विश्राम निज में पाऊं, विश्राम निज में पाऊं। ये तो शब्द है, उपयोग अभी ही थम गया, बस उपयोग अभी तक जा ही नहीं रहा, अभी जाओगे भी ना तो यही यही देखते रहना। एक काम करो, एक उंगली पकड़ के जाना, बच्चों को ऐसे ही सिखाना पड़ता है, बच्चों को ऐसा लगता है हम खो गए तो मार्केट में भीड़ में खो गए तो ठीक है तू अपनी उंगली खुद पकड़ना, जैसे हम तेरी उंगली पकड़ते हैं ना, मम्मी पकड़ती है ऐसे, तू अपनी उंगली पकड़ना तो खोगे नहीं, सिखाने की स्टाइल। मैं तो ऐसा मैं तो अपने लिए कहता हूँ कि एक हाथ से गाय कभी मत छोड़ना और एक हाथ से सारा काम करते रहना, खाना पीना वो कमाना दान देना जो तुम्हें करना है सब करते हैं, एक हाथ उधर जाए एक हाथ इधर से नहीं जाना चाहिए। समझ में आया कुछ? ए सर्वोत्कृष्ट हूँ या होना है? रिपेयरिंग की जरूरत है हीरे में? डेंटिंग पेंटिंग नो? ऐसे भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव इसको कहते हैं जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, बस समय हो गया इतने में, बाकी अपन बाद में विचार करें। ओम नमः शिवाय। रात्रि का कार्यक्रम आपने आज की तरह आती